Hello dear students, so I hope you all are fine at home. So today we will do the circle time with the blends. So as I have told you in the concept of A or An, how many consonants are there and how many vowels are there. So there are 21 consonants out of 26 alphabet. So today we are doing the blends. Today we are doing the blends, the consonant blend. Fine. So B is the consonant, F is the consonant, K is the consonant, P is the consonant, and G is the consonant. All letters are lying here are consonant, and we are doing the blend. Blend means जब हम दो चीजों को की इकट्ठी sound निकलती है. Suppose अगर हम मम्मा ने चटनी बनानी है, तो मम्मा चटनी बनाते हुए क्या करते हैं, पहले वो मिंट लीव्स लेते हैं, then onions लेते हैं, फिर उसको मिक्सी में डालते हैं, then वो blend होता है. ब्लेंड होके वो मिक्स हो जाता है, फिर ना तो पुदीना अलग से नजर आता है और ना ही अनियंस अलग से नजर आते हैं, वो दोनों मिक्स होके सेम नजर आते हैं. तो ब्लेंड इज द मिक्सचर ऑफ टू लेटर्स एंड उनकी वन साउंड निकलती है. फाइन. अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज कंसोनेंट ग एंड दिस इज कंसोनेंट ल. नाउ दे आर नॉट फ्रेंड्स. G is sitting here, L is sitting separately. When we हम इनको together कर देते हैं, now they are becoming friend. Fine. Now इनका blend हो गया, अब हम इनको blend करेंगे. ये friends बन गए, बहुत अच्छे friends बन गए हैं. Now अब इसकी sound है G, इसकी sound है L. When we blend, then the sound comes gl. Not girl, it's gl. इट्स ग्ल. जब भी हमने रीडिंग भी करनी है, देन हम इसको गल गल नहीं रीड करेंगे. वी विल रीड इट ग्ल. वी विल रीड इट ग्ल. एज आई हैव टोल्ड यू कि व्हेन मम्मा मेक चटनी, प्याज अलग से नजर आते हैं एंड पुदीना अलग से नजर आता है. जब हम ब्लेंड कर देते हैं तो वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, ना अनियन अलग से नजर आता है, ना अलग से पुदीना नजर आता है. सेम थिंग विद द कंसोनेंट ब्लेंड. व्हेन वी ब्लेंड द टू लेटर्स, तो इनकी साउंड सेम वन साउंड निकलती है. नाउ दिस इज ग्ल. नाउ हियर आई एड प. प्ल. हियर आई एड क्ल. नाउ आई एड फ. फ्ल. नाउ आई एड ब. ब्ल. Fine. So now let's start making the words related to these blends. So I'm keeping the blur here. Let's make the words from blur blend. Fine. So this is blur aid blade. This is blur aid blade. Blade is a sharp object, but the children, they cannot play with the sharp object. फाइन. तो काटने वाली चीज होती है जिससे हमारा हैंड कट हो सकता है. डोंट टच द शार्प ऑब्जेक्ट. सो दिस इज ब्ल एड ब्लेड. हम इसको ब ल एड ए नहीं रीड करेंगे. इन दोनों की साउंड अलग आएगी और ये लास्ट वाले थ्री लेटर्स की साउंड अलग आएगी. ब्ल देन एड. ब्ल देन एड ब्लेड. नेक्स्ट वर्ड इज ब्ल एस. ब्ल S. Bless. Another word using blur. Blur. Ack. Blur. Ack means black. Blur. Blur. Bloom. So now let's make word from glur blend. From glur blend. So gl add. Gl add. Glad means khush, happy. Fine. Now next word which I am going to make, gl ow. Gl ow. Glove. Glove जो हम विंटर्स में पहनते हैं अपने हैंड्स को वार्म करने के लिए. दिस इज gl eyed. Gl eyed. Glide. Glide means udna. Gl o. Gl o. Glow.
glow, glow, you, glue, glue वो चीज होती है जिसके साथ हम चीजों को पेस्ट करते हैं. वी यूज ग्लू टू पेस्ट समथिंग. फाइन. सो नाउ लेट्स मेक अनदर ब्लेंड. लेट्स मेक द वर्ड फ्रॉम फ्लोर ब्लेंड. सो हेयर आई हैव आइसक्रीम स्टिक्स. हेयर आई हैव आइसक्रीम स्टिक्स. सो फ्लोर एप. फ्लोर एप फ्लिप. नेक्स्ट वर्ड इज फ्लोर एम. फ्लोर एम. फ्लेम इज लाट. जब हम मोमबत्ती जगाते हैं तो उसमें से आग की ऐसे लाट निकलती है, दैट इज कॉल्ड अ फ्लेम. फ्लोर ऑक. फ्लोर ऑक फ्लॉक. लाइक फ्लॉक जब आपने देखा होगा स्काई में, जब बहुत सारे पंछी बर्ड्स इकट्ठे फ्लाई करते हैं एक झुंड में, दैट इज कॉल्ड अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. दिस इज फ्लोर. यूट फ्लूट. फ्लूट मीन्स बांसुरी. दिस इज एन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट. नाउ लेट्स मेक वर्ड फ्रॉम क्लॉबलैंड. फ्रॉम क्लॉबलैंड. सो दिस इज अ क्लो ए. क्ले. क्ले एक डो की तरह होती है, कलरफुल होती है, आटा जैसे मम्मा गूंथते हैं ताकि हम उसको अलग अलग शेप दे सके. इट इज अ प्लेइंग डो. क्लो इप क्लिप. क्लो इप क्लिप. क्लिप जो मम्मा कपड़े सूखने डालते हैं, हम लोग छत पे कपड़े सूखने के लिए डालते हैं ना, तो वो क्लिप्स के साथ हम लोग उसको लगाते हैं सो दैट हमारे कपड़े उड़ ना जाएं. एंड वन थिंग मोर, गर्ल्स अपने हेयर पे क्लिप यूज करती हैं. फाइन. सो अनदर वर्ड इज क्लोथ्स. 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 क्लोथ्स जो हम पहनते हैं, ठीक है, टू कीप अवर बॉडी वार्म एंड वी फील, वी डू नॉट फील कोल्ड, वी डू नॉट फील हॉट व्हेन वी वेयर द क्लोथ्स. फाइन. टू कवर अवर बॉडी. Now next we will make word from plowland. From plowland. So this is plow in plane. Plow in plane. जहाज को बोलते हैं, हवाई जहाज को, ठीक है, and aeroplane. This is plow and plan. Plow and plan. So, अगर हमने कोई प्लान बनाया कि हमने आज बाहर जाने का प्लान बनाया, भी हमने प्लान किया कि हम पिकनिक जाएंगे. प्लान मतलब कुछ सोचना, कुछ रेडी होना कहीं पे जाने के लिए, प्लान करना. दिस इज प्लांट प्लांट. प्लांट प्लांट. प्लांट मतलब पौधा. फाइन. दिस इज अगेन द प्लॉइन प्लेन. सो डू प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग ऑफ दीज ब्लेंड्स at home and reading pages from the numeracy or literacy book. And now I will show you the notebook where we will do the practice of look and write. We will do the practice of look and write. Please do practice of look and write from your notebook. Do practice of look and write of all these blends of look and write every day. Thank you and have a nice day.